तो जनाब आपको क्या करना है, आपको पता है A52S लॉन्च हुआ है तो आपको M52 का वेट करना है। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सूरज एंड यू वाचिंग SR टेक एंड सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G। तो A52 का रीब्रांडेड वर्जन है, 5G कर दिया है उसको, 12 बैंड मिल रहे हैं उसमें, सो इट्स गुड। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए ओवर प्राइस्ड है और कुछ लोगों के लिए मतलब कुछ लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस फ़ोन का, सो वो लोग तुरंत लेंगे ये फ़ोन। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपको M52 का वेट करना चाहिए रैशनली स्पीकिंग। रैशनली अगर आप रैशनल कंज्यूमर है, अगर आप सैमसंग को नो आपका फेवरेट नहीं है इतना कुछ, तो रैशनली स्पीकिंग आपको M52 का वेट करना होगा क्योंकि M52 इज़ द ट्रू सक्सेसर ऑफ M51 एंड M51 सुपर हिट था। M52 भी आई गेस सुपर हिट होगा क्योंकि इस रेंज में जो है ना, सब आजकल डायमेंसिटी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, सो डायमेंसिटी इज़ गुड। मीडिया टेक अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, पिछले 4 क्वार्टर से नंबर 1 पे आ रहा है, बट स्टिल स्नैपड्रैगन इज स्नैपड्रैगन, सो यू गॉट अ वेट फॉर द M52। M52 मेरे हिसाब से 30K के अंडर आने वाला है, सो दैट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर डुपर हिट फोन, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आई गेस। कैमरा क्योंकि सबसे अच्छा होता है सैमसंग का, ऐसा नहीं कि बाकी का कैमरा अच्छा नहीं होता, बट सब ओवरऑल देखा जाए तो फ्रंट और बैक मिला के सैमसंग का ही बेटर होता है सबसे, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में तो बेटर है, आईफोन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग, देखें क्या है, थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, शॉर्ट वीडियो, फिर लास्ट में बात करते हैं थोड़ा बहुत इस पर। और ये टिपिकल सैमसंग का वाइट कलर का बॉक्स, मेरे को लगता है इनको थोड़ा डायनामिक करना चाहिए, थोड़ा कुछ नया लाना चाहिए। और ये फ़ोन और काफ़ी कूल फ़ोन है, वैसा ही डिज़ाइन है A52 की तरह, वही टाइप ए टू टाइप सी, और 4500 mAh बैटरी मिलती है आपको, 15 वॉट का चार्जर दिया है, सो दैट्स गोना बी स्लो। डिज़ाइन पूरी A52 ही है, कुछ अलग से कुछ ये लोग ने मेहनत किया नहीं है चेंज करने में, सो इट्स द सेम। और 10,000 ज़्यादा ले रहे हैं सिर्फ 5G के लिए आई गेस, और थोड़ा सा प्रोसेसर इम्प्रूव, सो आई डोंट नो भाई सैमसंग की क्या स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा इनको डिज़ाइन में वर्क करना चाहिए था कुछ थोड़ा हट के, बट इट्स गुड नॉट बैड। और सैमसंग की 1 UI, टिपिकल 1 UI वुड से, इट्स गुड नो डाउट। इसके फीचर्स अच्छे हैं बट प्राइस के हिसाब से नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको मार्केट में, सो रैशनली स्पीकिंग फीचर्स नॉट अप टू द प्राइस लेवल। और ये ब्लू और ब्लैक का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, कलर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, ब्लू वाला जो है इसका एकदम मतलब वो स्काई ब्लू टाइप का कलर है, बट ब्लैक बहुत ही क्लासी लगता है मेरे को तो, पीछे से मैट फिनिश टाइप है एंड प्लास्टिक ही है, सॉरी प्लास्टिक बोल रहा हूँ, ग्लास बैक है, गोरिल्ला ग्लास 5, LPDDR4X, UFS 2.1 है, 3.1 देना चाहिए था अभी इस प्राइस रेंज में तो एटलीस्ट, और 3.5 mm जैक है जो कि आजकल नहीं मिलता है पता नहीं क्यों, और 120 Hz डिस्प्ले है, सो दैट्स गुड, 90 Hz से ये इम्प्रूव किया 120 Hz। फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा है, स्पीड है जैसे सैमसंग का होता है आप जानते ही हैं, 1.5 से 1 to 1.5 सेकेंड के गैप में, दैट्स गुड नॉट बैड। और ये 1 UI जो है कोर लिखा हुआ था अमेजोन पे या कहीं पे, बट ये फुल पूरा है, फुल फ्लैश 1 UI है क्योंकि ए सीरीज का फ़ोन है एंड काफ़ी स्मूथ फ़ोन है, मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, स्नैपड्रैगन 778 आफ्टर ऑल, ऊपर से 5G, कनेक्टिविटी में भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, 12 बैंड्स हैं, सो फ्यूचर सेफ है, दैट्स गुड। कैमरा तो सैमसंग का अच्छा होता ही है जानते हैं, वही 64+12+5+5 में गए, सोनी का सेंसर है, सब A52 वाला ही है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, फोटोज आप देख सकते हो अच्छा आए हैं। सैमसंग की फोटो क्वालिटी अच्छी ही होती है हमेशा, बस वीडियो में थोड़ा मात खा जाता है, इसमें 4K आप 30 FPS में कर सकते हो और 1080p में 60 और 30 दोनों, बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन अभी भी काम नहीं करता है, A52 A52S दोनों का सेम है, सो अभी भी इन लोग ने इम्प्रूव नहीं किया, पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया गया इस प्रॉब्लम को। EIS पे वर्क करता है बट वो 4K पे नहीं वर्क जो वर्क करता है, तो आपको EIS 1080 पे पर वर्क करना होगा, सो OIS पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और फोटो में वही मोड्स है, सिंगल पैनोरामा प्रो वगैरह, नाइट मोड,
जो हर सैमसंग फोन में आजकल है, नथिंग डिफरेंट। कैसे लगे डिज़ाइन आप बताओ भाई? A52 वाले ही है तो जिसके पास A52 है वो अपग्रेड नहीं करेगा ऑफ कोर्स। जो लेना चाहता है मैं तो बोलूँगा वेट करो, M52 का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, अच्छी ब्राइटनेस मिलती है आपको और आप इसको खेल सकते हो पबजी वगैरह, BGMI आई गेस। पबजी भी आ रहा है, पबजी न्यू रोड या कुछ करके न्यू मैप्स वगैरह होने वाले हैं, सो पबजी इज़ बैक। सो हाई सेटिंग्स में आप खेल सकते हो 1-2 घंटे आराम से, उसके बाद थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स मिल सकते हैं आपको क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है। भले ही जितना भी अच्छा प्रोसेसर हो सैमसंग का फ़ोन है तो लॉन्ग गेमिंग में थोड़ा बहुत तो फ्रेम ड्रॉप्स मिल ही जाता है, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच, कुछ लैग वैग नहीं होगा। लॉन्ग गेमिंग सेशंस के बाद आपको क्या होगा कि थोड़ा सा जो है फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा मेजर हीटिंग नहीं होगा बट थोड़ा वार्म हो जाएगा एंड थोड़ा फ़ोन जो है आपका लैगी हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्लो हो जाएगा। वो प्रोसेसर जो है थोड़ा उसको टाइम लगता है नॉर्मल होने में गेम के बाद, सो दैट्स प्रेटी नॉर्मल। सैमसंग है, सैमसंग में तो नॉर्मल ही है, देख सकते हैं आप 36.4, 36, 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आई गेस, यही होता था ना साइंस में ही पढ़ा था आई गेस, 40 तक जा रहा था अभी मैक्सिमम। आप नॉर्मल गेमर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेडिकेटेड गेमर हो तो थोड़ा बहुत तो आप जानते हो सैमसंग फोन्स में कैसा होता है। देखिए आप फ़ोन थोड़ा सा लैगी हो गया, वो हो जाएगा। क्या होता है कि वो फ़ोन प्रोसेसर थोड़ा टाइम लगता है स्टेबल होने में गेम के बाद, लॉन्ग गेमिंग सेशंस के बाद 1 घंटा खेला है इन्होंने तो वो ठीक है, नॉट नॉट अ मेजर इशू। तो अब बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं 120Hz डिस्प्ले। तो मेरे हिसाब से M52 में भी ये हो सकता है, लेकिन M सीरीज़ है तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग होने वाला है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा, A सीरीज़ की तरह फुल फ्लैश UI नहीं होगा एंड आई गेस उसमें 90Hz डिस्प्ले दे सकते हैं लोग कॉस्ट कटिंग के लिए, कोई भरोसा नहीं इनका। और फुल HD डिस्प्ले दे देना इस बार, M42 की तरह मत करना वरना ये भी फ्लॉप हो जाएगा। और अगर सिर्फ फिंगरप्रिंट और ये थोड़ा बहुत 90Hz वगैरह किया, प्रोसेसर सेम रहा और अंडर 30K रहा, 28,000, 27,000, सो दिस इज़ गोना बी द बेस्ट फ़ोन अंडर दिस प्राइस सेगमेंट आई गेस। इट्स इट विल बी वैल्यू फॉर मनी यार, वो फ़ोन बेस्ट होने वाला है। सो मैं यही कहूँगा कि आप वेट करो उसका। अगर आप देना चाहते हो 36,000 दाम है इस फ़ोन का, इट्स टू टू मच फॉर टू मच टू आस्क फॉर 778G सीरियसली। बट 33,000 में भी मिल जा रहा है, HDFC बैंक वगैरह है। और अगर आप बाहर से खरीदते हो रिटेल से या आप किसी जान पहचान के होलसेलर वगैरह से, सो आपको 30,000 तक भी मिल सकता है। सो सबको नहीं मिल सकता बट 30,000 तक मिल सकता है कैश में, तो कैश में ले सकते हो तो आप वो ले सकते हो 30,000 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A सीरीज़ मिल जाएगा, फुल फ्लैश UI है। बट अगर आपको थोड़ा 30,000 के अंडर है बजट तो आप वेट करो, इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में दुर्गा पूजा के पहले लॉन्च हो जाएगा। सो आप वेट करो, मैं वही बोलूँगा, इतनी बार तो बोल दिया वेट करने। ठीक है, फ़ोन अच्छा था, नॉट बैड, जस्ट प्राइस वॉज द डाउन डाउनग्रेड, मीन प्राइस वॉज लिटिल क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रोवर्शियल। सो आप बताओ कमेंट में, आप लोगे कि नहीं ये फ़ोन या फिर वेट करोगे M52 का। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।